जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज है 23 मई और इस वीडियो में दो जरूरी अपडेट आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े देने वाला हूं कि आप सभी को इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं इतना ज़्यादा क्राउड को देखकर, और साथ ही जो लोग अभी तक पंजीकरण नहीं करवाए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों को जो लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मेरा ट्रेन टिकट हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड को देखकर मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा है कि मैं इस समय केदारनाथ यात्रा पर आऊं। तो कृपया आप मुझे बताएं कि इस समय केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, क्राउड अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। दिनों दिन केदारनाथ यात्रा पर अभी भी क्राउड बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी सोन प्रयाग में टैक्सी के लिए 3 से 4 घंटे के लिए कतार लग जा रहा है और दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे के लिए कतार लग जा रहा है। तो क्राउड अभी तक वैसा ही बना हुआ है जैसा कि मैंने अभी तक आप सभी को अपडेट दिया था। तो अब बात करते हैं कि आप सभी को इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, जिन लोगों का पंजीकरण हो गया है और जो लोग ट्रेन टिकट करवा लिए हैं और पूरी प्लानिंग कर लिए हैं, वो लोग भीड़ को देखकर अपनी यात्रा प्लान कैंसिल ना करें, क्योंकि मई और जून के महीने में आप सभी को पता ही होगा कि केदारनाथ यात्रा पर सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। तो फिलहाल यात्रा का पीक सीजन चल रहा है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। और अगर ऐसे में आप सभी अपनी यात्रा प्लान कैंसिल कर देते हैं क्राउड को देखकर, तो आगे आप सभी का मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मई और जून के महीने में क्राउड तो किसी भी प्रकार से कम नहीं होने वाला है। जून के महीने में प्रतिदिन 5,000 की संख्या में ही यात्रियों की जो क्राउड है वो कमेगा, लेकिन इससे यात्रा पर कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप सभी को लाइन में वैसे ही लगना पड़ेगा जैसे कि अभी लगना होता है। तो मई और जून के महीने में क्राउड कम नहीं होने वाला है, वहीं जुलाई और अगस्त के महीने में क्राउड कम हो जाएगा। और अगर आप सभी इस समय अपनी यात्रा प्लान कैंसिल करके जुलाई और अगस्त के महीने में प्लान बनाते हैं तो आपके सामने मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है और इन दिनों पूरे उत्तराखंड में जोरदार बारिश होती है। और ऐसे में केदारनाथ यात्रा मार्ग में कई बार पहाड़ियों से पत्थर गिरता है, भूस्खलन हो जाता है, गाड़ियों के ऊपर पहाड़ गिर जाता है, यात्रियों के ऊपर पत्थर गिर जाता है, जिससे यात्रियों के ऊपर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। तो भाई साहब, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मई और जून के महीने में अपनी यात्रा प्लान बना लिए हैं, अगर आप सभी के पास पंजीकरण है, ट्रेन टिकट करवा लिए हैं, तो आप सभी क्राउड को देखकर अपनी यात्रा प्लान कैंसिल ना करें। और जिस समय आपका यात्रा प्लान बन गया है आप सभी सेम उसी डेट पर आ सकते हैं, क्योंकि आगे जो है जून के महीने में भी क्राउड इसी प्रकार बना हुआ रहेगा। और अगर आप सभी अपनी यात्रा प्लान अभी कैंसिल करके जून महीने में भी आएंगे तो आपको सेम ऐसे ही क्राउड का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अगर आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में आते हैं तो आप सभी को बता दूं, इस समय वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहते हैं, रास्ते जाम रहते हैं, यात्रियों के ऊपर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से अच्छा है कि आप सभी अभी ही यात्रा पर आ जाएं। जिन लोगों का पंजीकरण हो गया है या यात्रा की पूरी तैयारियाँ कर लिए हैं वे सभी यात्रा पर आ सकते हैं। आप सभी को इस समय जो है थोड़ा सा क्राउड का ही सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, मौसम भी इन दिनों यात्रा के अनुकूल ही है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मई और जून के महीने में अपनी यात्रा प्लान बना लिए हैं वे सभी क्राउड को देखकर किसी भी कीमत में यात्रा प्लान कैंसिल ना करें। आप सभी को आगे जाकर मौसम खराब होने की स्थिति में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम झेलने से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि अभी ही यात्रा पर आ जाएं। और वैसे भी मई और जून के महीने में क्राउड तो रहता है, तो आप सभी थोड़ा सा क्राउड फेस कर लीजिए, क्योंकि आपका यात्रा जो है इस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये रहा आप सभी के सवालों का जवाब कि आप सभी को मई और जून के महीने में इस समय केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं।
और दोस्तों ये है नंबर वन सवाल का जवाब। नंबर टू में हम बात करेंगे कि जिनके पास भी पंजीकरण नहीं है उनको क्या इस समय केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं, और कल ही बहुत सारे लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ है। तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और आज ही 11 बजे सुबह अपलोड करूँगा। तो जिनके पास भी पंजीकरण नहीं है और पंजीकरण करवाने के इंतज़ार में है वे सभी हमारा पार्ट टू का इंतज़ार करें। मैं 11 बजे पार्ट टू अपलोड कर दूँगा जिसमें आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगा कि आप सभी बिना पंजीकरण के इस समय केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।